राम राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल देसी मानस में। तो दोस्तों, आज आप बात करेंगे गुजरात फॉर्च्यून ब्रांड्स के टॉप रेडर यानी कि सचिन तंवर की। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और वीडियो के नीचे एक लाल रंग का बटन दिख रहा होगा, उसे दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें व बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सचिन तंवर का जन्म 19 जुलाई 1999 में हरियाणा के कुरुक्षेत्र ज़िले में एक हिंदू परिवार में हुआ और इनके पिता एक किसान हैं। इनकी हाइट 5 फुट 8 इंच और वजन 62 kg है। दोस्तों, आप बात करें इनके गर्लफ्रेंड की, तो सचिन तंवर की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। और आप बात करें इनके वाइफ की, तो इनकी अभी शादी नहीं हुई है। दोस्तों, इन्होंने अपनी एजुकेशन की पढ़ाई कुरुक्षेत्र टेक्निकल एंड मैनेजमेंट कॉलेज से की है। और आप बात करें इनके हॉबीज़ की, तो इनको सिंगिंग, डांसिंग और ट्रैवलिंग बहुत पसंद है। दोस्तों, उनके सिग्नेचर मूव की बात करें तो वे रनिंग हैंड टच में सबसे ज़्यादा पॉइंट लेते हैं। तो दोस्तों, बात करें आप इनके करियर की, तो इनके मामा यानी जो कि इनके कोच हैं, इन्हें कोचिंग देते थे और धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाने लगी। सचिन तंवर ने राजस्थान की ओर से खेलते हुए नेशनल चैम्पियनशिप में राजस्थान को 3रा स्थान दिलाया और धीरे धीरे ये आगे बेहतरीन प्रदर्शन करने लगे। इनके कोच राकेश जी की मेहनत रंग लाने लगी और ये धीरे धीरे बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करने लगे। दोस्तों, ये अभी 18 साल के ही हैं और कबड्डी में बहुत ही यंग प्लेयर के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने 12 साल की उम्र में ही कबड्डी खेलना शुरू कर दिया था और इनके पिता किसान हैं तथा इनके भाई भी एक कबड्डी के अच्छे खिलाड़ी हैं तथा इनके कोच जो कि कबड्डी में एक बढ़िया खिलाड़ी हैं और रेलवे में कार्यरत हैं। दोस्तों, इन्होंने सीजन 5 में गुजरात फॉर्च्यून ब्रांड्स की ओर से डेब्यू किया था। सीजन 5 में गुजरात ने इन्हें 36 लाख में खरीदा था और बात करें सीजन 6 की, तो गुजरात ने इन्हें 56 लाख रुपए में खरीदा है। दोस्तों, इनके पॉइंट्स की बात करें तो सीजन 5 में इन्होंने 24 मैचों में 173 पॉइंट लिए थे और बात करें सीजन 6 की, तो ये 200 से ज़्यादा रेड पॉइंट्स ले चुके हैं और लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। ये गुजरात के टॉप रेडर हैं और तथा एक अच्छे रेडर की भूमिका निभा रहे हैं। तो दोस्तों, अब आप बात करें इनकी एनुअल इनकम की, तो इनकी एनुअल इनकम 5 करोड़ के आसपास है। तो दोस्तों, बात करें आप इनके अवार्ड्स की, तो ये 2017 में एशियन कबड्डी चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है आपको हमारी ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें व कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि सचिन तंवर को कौन सा प्लेयर टक्कर दे सकता है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।